1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए सिख विरोधी दंगों में सज्जन कुमार का नाम मुख्य आरोपी के तौर पर सामने आया था। उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने ही भीड़ को उकसाया था। अब आइए आपको बताते हैं कि आखिर कौन है सज्जन कुमार। सज्जन कुमार कांग्रेसी नेता है। 1970 के दशक में बाहरी दिल्ली के मादीपुर इलाके से उन्होंने म्युनिसिपल चुनाव लड़ा और जीते भी। 1980 में सज्जन कुमार ने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को लोकसभा चुनावों में हरा दिया। ब्रह्म प्रकाश दिल्ली के पहले सीएम रहे थे। 1980 तक सज्जन कुमार का राजनीतिक करियर तेजी से आगे बढ़ा, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद हुए सिख दंगों से उनका राजनीतिक करियर भी प्रभावित हो गया। उसी साल हुए लोकसभा चुनावों में कांग्रेस ने सिख वोट बचाने के लिए उनका टिकट काट दिया। ये सिलसिला 1989 में भी जारी रहा, लेकिन 1991 में उन्हें फिर टिकट दिया गया। इसमें वे जीते भी। इसके बाद 1996 में वे बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण शर्मा से हार गए। इसके बाद 1998 और 1999 फिर से लोकसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया गया, मगर 2004 में उन्हें फिर से टिकट मिला। इस साल उन्होंने अपने नाम दो रिकॉर्ड दर्ज कराए। पहला, देश के लोकसभा चुनाव में सबसे ज्यादा वोट पाने का रिकॉर्ड, और दूसरा, दिल्ली में सबसे ज्यादा वोट से जीतने का रिकॉर्ड। अब आइए आपको बताते हैं कि क्या था सिख दंगे का पूरा मामला और कैसे आया इसमें सज्जन कुमार का नाम। इंदिरा गांधी की मौत के बाद देश भर में सिख विरोधी दंगे फैले थे। इस दौरान 1 और 2 नवंबर को दिल्ली कैंट में 5 सिखों को एक भीड़ ने मार डाला। वहां मौजूद लोगों का कहना था कि कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने भीड़ को उकसाया। वहीं जो 5 सिख इस घटना में मारे गए थे उनमें कहर सिंह, गुरप्रीत सिंह, रघुविंदर सिंह, नरेंद्र पाल सिंह और कुलदीप सिंह शामिल थे। सज्जन कुमार पर मर्डर, डकैती, आपराधिक साजिश का आरोप लगा। बाद में नानावटी कमीशन की सिफारिश के बाद 2005 में सज्जन के खिलाफ केस दर्ज हुआ। सीबीआई ने सज्जन के खिलाफ 2 चार्जशीट फाइनल की। सज्जन के अलावा कांग्रेस के ही जगदीश टाइटलर और दूसरे कई नेताओं पर दंगे भड़काने के आरोप हैं। 2009 में कांग्रेस ने सज्जन कुमार को लोकसभा चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। वहीं सीबीआई ने 2005 में जगदीश कौर की शिकायत और न्यायमूर्ति जीटी नानावटी आयोग की सिफारिश पर दिल्ली कैंट मामले में सज्जन कुमार, कैप्टन भागमल, पूर्व विधायक महेंद्र यादव, गिरधारी लाल, कृष्ण खोकर और पूर्व पार्षद बलवंत खोकर के खिलाफ मामला दर्ज किया था। इसके बाद सीबीआई ने सभी आरोपियों के खिलाफ 13 जनवरी 2010 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। इनमें से सज्जन कुमार को कोर्ट ने बरी कर दिया, जबकि बाकी 5 लोगों को दोषी करार दे दिया गया। और अब 84 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आए इस फैसले में दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दंगा भड़काने और साजिश रचने का दोषी पाया और उम्र कैद की सजा दी।